क्वेश्चन नंबर थ्री फ्रॉम द चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. द सेट ऑफ नंबर्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर log mod x is this continuity is discontinuous at a point options hain mere paas 0 second option ye curly brackets mein likha beta 1, -1 c 0, 1, -1 d none of these. हाँ जी बेटा क्या कर रहे हैं सबसे पहले कौन 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 सी ऑप्शंस हो सकती हैं आपके दिमाग से किस पॉइंट पे जो गए कैसे पता चला नहीं ये तो कर्ली ब्रैकेट ही है वो कोई बात नहीं है हाउ यू चेक कि इन पॉइंट्स पे ये फंक्शन जो है मेरे पास फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है क्योंकि यहां पर क्या है फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है अगर आप देखो 0 पे log 0 डिफाइन नहीं होता अब देखो 1 पे log 1 क्या होता है 0 1/0 नॉट डिफाइन सेम मेरे पास हो गए यहां पर क्या हो जाएगा -1 तो इस पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता है ओके बेटा मैं एक चीज और बता दूं बेटा यहां पर आप लोगों को आप सीधा भी कर सकते थे log mod x 0 के इक्वल ये मेरे पास log उधर जाता है तो क्या बन जाता है e बन जाता है ना तो मेरे पास हो गए mod x जो है दैट इज इक्वल टू e पावर 0 तो दैट मींस mod x इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू कितनी आ गई +-1 ओके बेटा वहां से भी निकाल सकते थे क्लियर नहीं तो हम स्टेप बाय स्टेप पुट करके भी देख सकते थे इज इट क्लियर चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास इफ पहले कॉन्टिन्यूटी के करते हैं हाँ जी इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड बाय इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड बाय एक्स स्क्वायर -3x+2 ओवर 4x-x³ देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच एफ ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस आर कितने पॉइंट्स हैं जिसपे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है हाँ जी यहां पर एक्स कॉमन ले तो 4 - x² दैट इज इक्वल टू 0 मेरे पास एक एक्स 0 और एक एक्स क्या आएगा +-1 अच्छा ऊपर फैक्टर बना के चेक कर लिया करो कि मेरे पास तो है कहीं कटिंग तो नहीं हो रही उस पे फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा डिफाइन जरूर हो सकता है लेकिन वहां पर उस पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट पे हम फंक्शन को कटिंग करके ही एक्सेप्ट करते हैं ओके जी तो कितने पॉइंट्स हो गए डिसकंटिन्यूटी के 3 चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास द नंबर ऑफ पॉइंट सेम क्वेश्चन है सिर्फ एफ ऑफ एक्स चेंज हो रहा है एफ ऑफ एक्स इज mod x-1 mod x-2 प्लस मेरे पास साइन एक्स x-1 x हाँ जी द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच फंक्शन जो है वो क्या है डिसकॉन्टिन्यूस कौन कौन से पॉइंट पे फंक्शन जो गए वो डिसकॉन्टिन्यूज है नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको दी हुई है 1, 2, 3 या 0 बिल्कुल 0 रीजन मॉड एक्स आपको पता है क्या होता है कॉन्टिन्यूज
ये भी कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल आर मॉड, क्या अगर फंक्शन ड्रॉ करते हैं मॉड एक्स, आपको पता ना वी ऐसे बनता है ओरिजिन पे, लेकिन अगर मॉड एक्स माइनस वन है वी कहां पर बनेगा, वन पे शिफ्ट हो जाता है, यहां वन, इसको इक्वल टू जीरो पुट करो, देखो कौन सा, अगर प्लस वन होता तो माइनस वन पे शिफ्ट हो जाता, रहा तो ये कॉन्टिन्यूस ही ना, ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये भी कॉन्टिन्यूस, और साइन एक्स भी क्या होता है कॉन्टिन्यूस, और आपको पता है कि अगर एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, जी एक्स कॉन्टिन्यू है, उसको एड कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, माइनस कर दे, डिवाइड कर दे, सारे फंक्शन क्या होते हैं कॉन्टिन्यूस होते हैं, प्रोवाइडेड डिवाइडेड में डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके जी, क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट इज द फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस, द फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस ऑन द सेट एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है कॉट एक्स, वेन ए ऑप्शन दी हुई है एक्स इज इक्वल टू एन पाई, सेकेंड ऑप्शन एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई बिलोंगिंग टू जेड लिखा है बेटा, सी एक्स इज इक्वल टू एन पाई बाय टू, और लास्ट ऑप्शन ऑब्वियस है उसी, हाँ कॉट फंक्शन है, ध्यान से देखना डी कैसे होगा, टेन ये पाई बाय टू है, टेन नाइनटी पे होता है, टेन नाइनटी पे होता है, ये तो कॉट है ना, जीरो पे होगा ना, तो जीरो मतलब बिल्कुल जी एन पाई, वहां से देख लिया करो। ओके जी, ना हाँ टेन बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि टेन जो है किसका रेसिप्रोकल है कॉट का, कॉट किसका रेसिप्रोकल है टेन का, अब कॉट एक्स का पूछा है कहां पर डिसकॉन्टिन्यूज होगा, मुझे पता ये वन बाय टेन, अब जीरो वैल्यू पुट करूंगी तो टेन जीरो जीरो होता है, अगर नाइनटी पुट करूंगी तो टेन नाइनटी नॉट डिफाइंड, वन बाय नॉट डिफाइंड इज जीरो, उस पे तो डिफाइंड है, वन बाय इंफिनिटी जीरो ही बन जाती है ना, वन बाय जीरो इज इंफिनिटी, वन बाय इंफिनिटी इज जीरो, ये आपस में इंटरचेंजेबल है ना। ओके जी, तो इसीलिए मेरे पास ये जीरो कब बनेगा, आंसर पूरा जीरो किस पे बनेगा, जब एक्स क्या है जीरो, एन पाई का मल्टीपल होता है ना, टेन और कॉट में एन पाई के मल्टीपल पे वैल्यू रिपीट करती है, साइन और कॉस में टू एन पाई पे, पीरियडिसिटी टेन की एन पाई, कॉट की एन पाई, साइन कॉस की टू एन पाई, किया हुआ है ना हमें, चले क्लियर हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट, मेरे पास द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, इज कॉन्टिन्यूस एट नंबर फर्स्ट माइनस टू, बी वन, सी फोर, डी माइ 1.5। आपको पता है ना कि इंटीजर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं होता, हमेशा नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर मतलब या तो डेसिमल वाले या फ्रैक्शन वाले बात करते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट बेटा, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4, 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 0, 1 4x स्क्वायर प्लस 3ax x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 इज कॉन्टिन्यूस
फॉर एक्स बिलोंगिंग टू जीरो टू टू देन द वैल्यू ऑफ ए। मैं बार बार कहती हूं, आगे हम कहते थे ना जीरो और टू पे भी देखो, यहां तो वैसे ही कह दिया कि ओपन इंटरवल है, जीरो और टू पे देखने की जरूरत ही नहीं। अगर बाय चांस क्लोज्ड भी होता नो नीड टू सी, क्योंकि सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट किस पे है मेरे पास, जो है वन पे, वन के लेस पे फंक्शन चेंज हो रहा है, वन के राइट पे फंक्शन चेंज हो रहा है, कुछ नहीं लिखना लिमिट बेटा। अब इतना टाइम नहीं है पेपर में, आज भी मैं सुमे देख रही थी लक्षित, पूरा पूरा स्टेप वाइज कर रहा था क्वेश्चन, वहां इतना टाइम नहीं होगा। सिंपल लेफ्ट पे फंक्शन ये है, मैंने एक्स की जगह पे वन पुट किया, मैंने ये किया, राइट पे वैल्यू देखी तो मैंने एक्स की जगह पे वन पुट किया, मैंने ये लिखा बस, ठीक है। तो यहां पर वन फोर प्लस थ्री ए, तो ए की वैल्यू माइनस वन आ रही है मेरे पास। ओके जी, शॉर्ट में लिखना, यही तो बेनिफिट है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो, लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो फाइंड के। हाँ जी, क्या करेंगे? सिंपल लेफ्ट राइट तो है ही नहीं ना, हमने इसकी लिमिट सॉल्व करनी है और इधर के ही है। अब प्रॉब्लम ये कि इसकी लिमिट जब भी स्क्वायर रूट वाला आए, लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं? रैशनलाइज करके। जब इसको रैशनलाइज करोगे बेटा, ये आया, अब a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय एक्स, और इधर क्या बचा, फोर प्लस, मैं कोई लिमिट नहीं लिख रही हूं, टाइम ही नहीं है इतना हमारे पास, बहुत बिजी हम सब, ठीक है। ये x और x कट गया, और x की जगह जीरो पुट करूंगी क्योंकि लिमिट x अप्रोच जीरो थी, तो बेटा बिल्कुल जी बिल्कुल, वन बाय रूट टू रूट फोर प्लस टू दैट इज k, और रूट फोर का मतलब है टू, टू प्लस टू फोर, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, वन बाय फोर। ओके जी, किसमें जीरो, जीरो पे लिमिट देखनी ना बेटा, जो क्रिटिकल पॉइंट होता है ना जिस पे फंक्शन चेंज होता है वही एक्स की जगह जीरो। ये देखो, अगर मैं क्या नाम था बेटा, मैं सीधा क्यों नहीं मैंने पुट किया, नॉट डिफाइंड आ जाता ना मेरा, तो फिर मैंने लिमिट का मेथड देखा ना, स्क्वायर रूट है तो मैंने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दी। ओके जी, क्लियर। चलिए बेटा नेक्स्ट मेरे पास, Let us do the next. F of x is equals to sin pi x by 5x, x not equal to 0, k x equal to 0 is continuous at x is equals to 0, find k। अब फिर वही, कोई लेफ्ट राइट नहीं ना, सिंपल लिमिट x approaches 0 sin pi x by 5x is equals to k। हाँ जी, अब क्या करें, pi से multiply, pi से divide, इतने का वन हो जानी है ना, क्यों हो जानी है वन पता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो साइन एक्स बाय एक्स कितना होता है वन, जब एक्स अप्रोचेस जीरो हो ना साइन एंगल के अंदर जो है वो नीचे चाहिए, तो यहां बचा पाई बाय फाइव, बस ऐसे ऑरली करना है हमने। इफ एक्स अप्रोचेस जीरो पाई से मल्टीप्लाई कर लो, उधर तो जीरो ही रहना, क्या फर्क पड़ेगा,
जो अप्रोच जीरो को करता है ना उसकी टेंशन नहीं लेते, वो अपने आप करेगा क्योंकि मल्टीप्लाई करके तो हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट करें बेटा। चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट। द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्या करें पता है आपको, कॉन्टिन्यूस है और मुझे एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालनी, कोई लेफ्ट राइट नहीं है ना, तो सिंपल लिमिट एक्स अप्रोच जीरो टू पावर एक्स माइनस टू पावर माइनस एक्स ओवर एक्स दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। अब प्रॉब्लम है लिमिट की सॉल्व करने की। अगर आपको याद हो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, लिमिट एक्स अप्रोच जीरो ए पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स, आंसर क्या होता है लॉग ए। ई वाला भी किया था हमने, लॉग ई अपने आप वन हो जाता है, वही बनाना है ना। पर यहाँ प्रॉब्लम क्या है, नहीं मेरे पास माइनस वन नहीं है, क्या करूं, दोनों में माइनस वन एडजस्ट करूं। तो मैंने एडजस्ट किया तो लिमिट एक्स अप्रोच जीरो टू की पावर एक्स माइनस वन माइनस टू की पावर माइनस एक्स माइनस वन ओवर एक्स कर दिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया ना बेटा, ठीक है ना। तो बेसिकली वन ऐड और वन क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया मैंने, ठीक है जी। अब इसको अलग अलग कर दूं, जब मैंने अलग अलग किया लिमिट एक्स अप्रोच जीरो टू पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस लिमिट एक्स अप्रोच जीरो टू पावर माइनस वन बाय एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, ठीक है बेटा। अब क्या बनेगा मेरे पास बता सकते हो, ये तो बन जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है, जो ऊपर होता है ना एक ही पावर एक्स है वो नीचे चाहिए। तो अगर मैं देखूं मैंने यहां नेगेटिव एडजस्ट किया, यहां क्या कर दिया प्लस। अब बनाइए, लिखिए यहां पर लॉग टू, ऑप्शंस बताती हूं मेरे पास जो है ऑप्शंस है मेरे पास जीरो लॉग टू लॉग फोर टू की पावर फोर। इसका आंसर भी क्या बन गया लॉग टू, उसका भी लॉग टू, टू लॉग टू लिख सकती हूँ, दो बार हो गए ना मेरे पास, टू लॉग टू कोई आंसर नहीं था है ना। बट मैंने ये देखा इसको ऊपर पावर में लेके जा सकते हैं ना, ये फॉर्मूला किया हुआ ना, एम लॉग एन कैन बी रिटन एज, तो मैंने इसको लॉग टू की पावर टू, लॉग टू की पावर टू, टू की पावर टू क्या होता है फोर, मैंने इसीलिए ऑप्शन देखी कि मेरा आंसर टू लॉग टू बन रहा है, तो यहाँ ऑप्शन तो मुझे नजर नहीं आ रही, तो फिर मैंने कैलकुलेशंस किया गया। ओके समझ आ गई बेटा सबको, मेरे से कर लो बेटा, पहली बार तो आया क्लास में, मैम इज हियर टू टेल यू, यू कैन आस्क मी। समझ आ गया, चले आगे, एनी प्रॉब्लम? हाँ जी बेटा चले आगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, सिर्फ मेन है आपको लिमिट्स के फॉर्मूले सारे आने चाहिए, अगर नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम होगी कॉन्टिन्यूटी सॉल्व करने में, अदरवाइज कॉन्टिन्यूटी इज नॉट टफ
वर्क नहीं है कोई इसमें, वो ही बार बार फॉर्मूला लग रहा है. ओके लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी इजी. इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस साइन इनवर्स x बाय 2x माइनस टेन इनवर्स x, इट इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x इन माइनस वन टू वन, देन f ऑफ जीरो. ऑब्वियस है अगर ये माइनस वन टू वन के बीच में कॉन्टिन्यूज है इसका मतलब हर पॉइंट पे होगी. इसका मतलब एफ ऑफ जीरो किसके इक्वल होना चाहिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो टू एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स ओवर टू एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स. अब क्या करें इसकी लिमिट सॉल्व करनी, एक्स कर दोगे जैसे लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो टेन एक्स बाय एक्स बेटा वन होता है ना, ऐसे ही टेन इनवर्स बाय एक्स भी क्या होता है वन ही होता है, साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स भी क्या होता है वन ही होता है. तो इसको खत्म करने के लिए मैंने क्या किया, एक्स से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर दिया डिवाइड. जब मैंने डिवाइड किया तो लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो ये टू एक्स बाय एक्स टू आ गया, साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स वन, सेम टू माइनस वन, ठीक है तो आंसर थ्री बाय वन, आंसर इज थ्री. जो डाउट है पूछिए बेटा प्लीज, नहीं समझ आया कोई बात नहीं पूछोगे तो मेरे को पता चलेगा. क्लियर टू एवरीवन, चले आगे. चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है कॉन्टिन्यूटी का. अगेन इफ एफ ऑफ एक्स, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय कॉट टू एक्स के x not equal to pi by 4, x equal to pi by 4 is continuous at x is equal to pi by 4, x is equal to pi by 4, then find the value of k. क्या करें बेटा, कॉन्सेप्ट तो वही लगना है ना, लिमिट अब एक्स अप्रोचेस पाई बाय फोर होता है क्योंकि पाई बाय फोर पे चेक करना है, टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स ओवर कॉट टू एक्स दैट इज इक्वल टू के. अब इसको सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल आप पुट कर लो, पाई बाय फोर माइनस एक्स को एच पुट कर लीजिए. जब भी मैं हमेशा बच्चों को ये टेक्निक बताती हूं, ये एक्स अप्रोचेस पाई बाय फोर है, अगर ये इधर आके माइनस हो जाए एक्स माइनस पाई बाय फोर, जब भी ऐसा सेम सेम होना तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते. कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन, मतलब आप एक्स माइनस पाई बाय फोर को एच पुट करिए तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, जो गए h प्लस पाई बाय फोर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में पुट कीजिए और as x approaches पाई बाय फोर, अगर मैं x को पाई बाय फोर लेके जाऊं, पाई बाय फोर कट गया, h क्या आ जाएगा जीरो. ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे को tan जो गए x बाय x ये जिसकी भी वैल्यू है वो किस पे पता है मेरे को, When x approaches zero पे, उसी पे डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगता है, तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस. ओके जी, तो अब मेरे पास हो गए एज एक्स, क्या कह रहे वो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप करोगे नेगेटिव अपने आप बाहर आ जाएगा,
आप सीधा ले लो, आपने ये सीधा बनाना है सीधा कर लो, डजंट मैटर, अपने आप वो चीज बन जानी है बेटा, ठीक है नहीं? मैं तो लिमिट्स को देखती हूँ हमेशा, मेरे को फिर लिमिट्स में हेरा फेरी ना करना। अगर आप इसको भी इधर ले आओगे, अप्रोच तो जीरो को ही होना है ना, एक ही बात है, ठीक है? चलिए बेटा, तो मेरे पास जो है एच अप्रोच इज जीरो। अब बेटा देखिए, मेरे पास जो है क्या बना, लिमिट एच अप्रोच इज जीरो टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स की जगह पे मैं क्या पुट कर रही हूँ, एच माइनस पाई बाय फोर ओवर मेरे पास जो है कॉट टू। एक्स की जगह पे मैं क्या पुट कर रही हूँ, एच प्लस पाई बाय फोर। पाई बाय फोर कैंसिल, कहाँ पर ये देख बेटा, यहाँ बाहर एक्स नेगेटिव नहीं था। हाँ जी, अब बेटा मेरे पास जो है लिमिट एच अप्रोच जीरो टेन माइनस एक्स माइनस टेन एच हो जाएगा, लेकिन एच क्या है जीरो, तो मुझे पता वो जीरो ही बनना है। पहले नीचे देख लें वहां क्या प्रॉब्लम है। हाँ जी, ये किया कॉट टू एच प्लस पाई बाय टू हो गया। अब टेन मेरे पास जो है नाइनटी प्लस थीटा क्या होता है, कॉट मेरे जो है टेन थीटा आएगा, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में मैं देखूं तो टेन कॉट क्या होता है नेगेटिव, तो ये माइनस आ गया, ये और ये कट गया। ओके क्लियर। अब मेरे पास जो है जो चीज बची, ये तो जीरो बाय जीरो बन रहा है एज इट इज। आपके पास अगर देखो, मैं अब ऑप्शंस देखूं कि क्या नॉट डिफाइंड की ऑप्शन मेरे पास है कि नहीं है, लेट अस सी, है ना। कई बच्चे यहां पर सीधा पुट करते हैं कि मैम एच जीरो पुट करूं, टेन जीरो बाय टेन जीरो, जीरो बाय जीरो नॉट डिफाइंड ही हो गया ना, मेरा नहीं सर रहा ना, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं थी। तो मेरे को क्या करनी है फर्दर कैलकुलेशन, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, देखिए मैं ये रब करने लगी हूं। मैंने क्या किया, लिमिट एच अप्रोच जीरो टेन एच बाय टेन टू एच, मैंने एच से मल्टीप्लाई एच से डिवाइड किया। चाहे ऐसे ना करो तो यहां नीचे एच कर दो, क्योंकि अगर नॉट डिफाइंड आंसर होता ना तो मैं वही खत्म कर देती, मेरा काम खत्म हो जाता। नहीं, मेरे पास ऑप्शन थी चारों, तो मुझे लगा कि मैंने इसको एडजस्टमेंट करना है, उसका बेनिफिट। अब यहाँ टेन थीटा है ना, टू एच है, टू से डिवाइड टू से मल्टीप्लाई, अब ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, आंसर वन बाय टू। दूसरी तरफ क्या था के या जो भी आपसे, आंसर कितना आ गया वन बाय टू, वन बाय टू मेरी ऑप्शन है। ओके बेटा क्लियर। कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, 90 हो टेन का कॉट, कॉट का टेन प्लस थीटा था, सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में कॉट क्या होता है नेगेटिव होता है, इसीलिए बाहर माइनस, ठीक है जी। देख दोनों सो गए। चलो थैंक यू बेटा दमन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।